नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के वीकली मेंटर वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग देखते चलते हैं कि कैसे वीकली करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, करंट अफेयर्स के पीछे डेली है ना, डेली अगर देखो भी कोई तो 15-20 मिनट का बस वीडियो, जैसे इसी चैनल पर आपको सुबह डेली करंट अफेयर्स का हृदेश सर का वीडियो आता है। बहुत क्रिस्प क्वेश्चन होते हैं, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप उसको भी देख सकते हो। और वीकली करंट अफेयर्स के लिए आप आंखें बंद करके इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत रिफाइन कंटेंट आपके लिए है, और ऐसा नहीं है कि उल जलूल कुछ भी है, अच्छा कंटेंट। आप लोग खुद देखते हैं, इसका पीडीएफ आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सारी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके भी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अप्रैल माह से हमने श्रृंखला शुरू की है। चलिए आज हम जो वीकली करंट अफेयर्स में देखेंगे 13 से 19 मई तक को देखेंगे। 13 से 19 मई तक के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको प्रश्नों के माध्यम से देखते चलेंगे। इस हफ्ते कोई बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं, तो 40 सवाल ना होकर कुछ कम सवाल हैं। खैर, पहली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं प्रश्न के माध्यम से, क्या है। पहली बार G5 स्तर का भू चुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराया। स्टेटमेंट गलत है, अभी आपको समझाऊंगा G5 स्तर क्या है, भूचुंबकीय तूफान क्या है। अब देखो, ये आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ बेसिक ज्योग्राफी में भी जाएगा, है ना। चलिए, इस तूफान के लिए उत्तरदायी कारण सूर्य से निकले और पृथ्वी की ओर निर्देशित मल्टीपल कोरोनल मास इजेक्शन, ये क्या होता है ये भी बताऊंगा, ये ठीक है। भूचुंबकीय या सौर तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न व्यवधान है, ये भी ठीक है। ये क्या होते हैं, देखो इमेज के माध्यम से समझते चलो, है ना। 2003 में पहली बार ऐसा हुआ है। ये सन है आपका, सन की जो आउटर जो वो होती है, सन को भी हम 4-5 उसके संस्तर में बांटते हैं जैसे पृथ्वी को बांटते हैं, तो सन की जो आउटर मोस्ट एरिया होता है उसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना। तो कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है कि सन में कभी ज्यादा मात्रा में अगर क्या हो जाए, नाभिकीय संलयन हो जाए, तो यहां बड़ी मात्रा में विस्फोट प्रकृति का होता है जो कि सन के कोरोना से बाहर निकल आता है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना जो आप ब्लू ब्लू देख पा रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, और ये कोरोनल मास इजेक्शन जो विस्फोटक प्रकृति का हुआ वो इतनी बाहर आ जाता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र उसको आकर्षित कर लेते हैं, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो 2003 में पहली बार हुआ था, तो पहली बार पृथ्वी G5 स्तर के भूचुंबकीय तूफान जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की चपेट में आई है। इससे पहले 2030 में हेलिवोन नामक G5 स्तर का सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था, ठीक। तो 2003 में पहली बार टकराया है और दूसरी बार अब टकराया है, तो पहली बार नहीं है ये घटना, एक बार पहले हो चुकी है। इस तूफान के लिए उत्तरदायी कारण सूर्य से निकले और पृथ्वी की ओर निर्देशित मल्टीपल कोरोनल मास इजेक्शन है, CME है, ठीक है। चलिए, भूचुंबकीय तूफान क्या होता है, भूचुंबकीय या सौर तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न व्यवधान होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का। पृथ्वी का क्यों चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो कोर है वो मैग्नेटिक पदार्थों का बना हुआ है, जिस कारण पृथ्वी का अपने एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तीव्रता के आधार पर इन तूफानों को G1 से G5, है ना, G1 मतलब नॉर्मल, G5 मतलब सबसे प्रबल, इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में आमतौर पर 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। सौरल फ्लेयर्स और ज्वाला क्या होती है, यह सूर्य की सतह पर ऊर्जा का अचानक और तीव्र उत्सर्जन, है ना, विस्फोटक प्रकृति में उत्सर्जन होता है, यह अक्सर सनस्पॉट से संबंधित होती है। यह फ्लेयर सूर्य के वायुमंडल में आमतौर पर सनस्पॉट्स के ऊपर संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई। अब एक बार प्रश्न दोबारा देख लेते हैं, तो पहली बार नहीं है इसलिए गलत हो गया, एक जैसे ही गलत हुआ मुझे आंसर मिल गया अपना 2 और 3। अगर आपको एक कंफर्म भी पता है तब भी 2 और 3 आंसर मिल गए, फिर भी इस तूफान के लिए उत्तरदायी ये कारण है, भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के मैग्नेटिज्म में व्यवधान उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र में। चलिए, तो महत्वपूर्ण घटना थी, आपने देख ली, अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक हार्ट टेस्टिंग की है। यह 3D प्रिंटेड वाला क्या मामला है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, फिर बता देता हूं। 3D प्रिंटेड क्या है, कोई भी चीज, जैसे मान लो मुझे बनाना है आपको, आपने मेरी एक डिजाइन डेवलप किया अपने कंप्यूटर के माध्यम से और मेरे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चर किए,
बाद में लाके मुझे असेंबल कर दिया और मुझे बना दिया, स्टार्ट कर दिया मुझे। ये हो गई आपकी 3D प्रिंटिंग टेक्निक से कुछ भी चीज बनाना। चलिए, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की है। सही फैक्ट है, यह तरल रॉकेट इंजन PS4 इंजन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का चौथा चरण है। देखो PSLV और GSLV है ना, दो प्रकृति के लॉन्चिंग रॉकेट हमारे पास हैं, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल उसको बोलते हैं, और दूसरा होता है GSLV। PSLV भारत का महत्वपूर्ण एक लॉन्चिंग रॉकेट है ना, जिसकी सफलता रेट बहुत ज्यादा है ना। असफल तो एक आध दो ही मिशन हुए हैं, लगभग अब तक 58 मिशन किए हैं, एक आध दो अनसक्सेसफुल हुए हैं, बाकी सब सक्सेसफुल हुए हैं। तो जो आपका ये है PSLV, ये चार चरण का जो है वो होता है बेसिकली यान में ना, आपको कल भी बता, पिछली क्लास में भी बताया था है ना, रॉकेट में बेसिकली इस तरीके से यहां तो आपका उपग्रह होता है, ये दो बीच में साइड में जो धंतुरे लगे रहते हैं ये क्या है, ये बूस्टर होते हैं, इसको भगाने के काम आते हैं। पहले एक बूस्टर लगेगा, ये ऊपर भागेगा, दूसरा बूस्टर जलेगा, ऊपर भागेगा, और चार चरण का ईंधन PSLV में होता है। UPSC का सवाल है कितने चरण का ईंधन होता है, तो चार चरण का ईंधन होता है PSLV में। तो चौथे चरण में बेसिकली ये क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है चौथे चरण में, है ना। तो P4 इंजन, PS4 इंजन जो इसरो ने बनाया है वो PSLV का चौथे चरण में यूज होगा। बात समझ में आ गई फैक्ट। चलो, इसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, द्रव प्रणोदन प्रणाली मतलब द्रव ईंधन प्रणाली, सिंपल याद रखो, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है। यह भी बात ठीक है, तीनों फैक्ट इससे रिलेटेड ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे PS4 पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में था, क्या है, किस लॉन्चिंग व्हीकल से रिलेटेड है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसरो की एक और कामयाबी, तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया हाल ही में इसरो ने, रॉकेट इंजन PS4, तो आपसे पूछ लेगा ये बात कि PS4 इंजन किस रॉकेट यान से संबंधित है, PSLV 4 से। 3D मैन्युफैक्चरिंग की है ना, गौरतलब है कि ये PSLV का चौथा चरण है, इसे इसने डेवलप किया है। इस तकनीक से कच्चे माल और विनिर्माण में समय की बचत हो जाएगी। कैसे, कि एक ही जगह पूरा रॉकेट मैन्युफैक्चर नहीं करना है, अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चर है, लाओ असेंबल करो रॉकेट तैयार, सिंपल। 3D प्रिंटिंग और एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के बारे में आपको बताया, 3D प्रिंटेड मूलतः विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए मूल रूप से डिजिटल रूप में एक त्रिविमीय वस्तु को डिजाइन किया जाता है, मैंने आपको बताया मुझे डिजाइन कर लो, उसके बाद 3D प्रिंटर द्वारा उसे भौतिक स्वरूप में प्राप्त किया जाता है। 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होते हैं। चलिए, अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के अनुसार पूर्वी घाट के 60% जल निकायों में अमार्ड सेल्फिन कैटफिश फैल गई है। आपसे यह भी पूछ सकता है ना, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर हफ्ते आपको एक ना एक प्रजाति लेके आता हूं जो चर्चा में रहती है। जिस स्पीड से UPPCS UPSC का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ऐसे वाले सवाल आने में भी देर नहीं लगेगी, आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। किताबों में भी इनकी संख्या बहुत न्यून रहती है, इन पर चर्चा नहीं रहती है, तो आप फिर सकले देखोगे इधर उधर, ठीक है, इसलिए अपने आप को पहले से तैयार रखो। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पूर्वी घाट है ना, भारत का ये वाला हिस्सा जो है पूर्वी घाट है, ठीक है, ये फैल गई है ये वाली मछली, बात बिल्कुल सही है। अमार्ड सेल्फिन कैटफिश को राकासी या डेविल फिश के रूप में भी जाना जाता है, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। यह मछली भारत की मूल प्रजाति नहीं है, USA की मूल प्रजाति है। तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो देख लो। देखो ये है भाई साहब मछली, देख रहे हो कितनी एकदम डेंजर टाइप से लग रही है, एकदम अलग सा एकदम है ना, ऐसा लग रहा है कि जो है जिराफ की खाल पहन के आ गई हो। हाल ही में हुए वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पूर्वी घाट के 60% जल निकायों में अमार्ड सेल्फिन कैटफिश फैल गई है ना। चलिए, यह मछली दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है, यह सबसे बड़े कैटफिश कुल से संबंधित है, तो दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका की मूल प्रजाति है। अमार्ड सेल्फिन कैटफिश को राकाशी या डेविल फिश के रूप में भी जाना जाता है। अमार्ड सेल्फिन कैटफिश देखने में एक और अलग आकर्षक मछली लगती है, एकदम बेहतरीन सी, इसे तालाबों और जल में, किसके लिए, तालाबों और जल कुंडों में शैवाल की वृद्धि को रोकने के लिए जो है इसको जो है लाया जाता है, तभी इसका नाम क्या है, डेविल फिश है। आप देख रहे हो डेविल फिश है, शैवालों की ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो सुपोषण वाली स्थिति हो जाएगी, जिस कारण अंततः तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। इसको रोकने के लिए इस मछली को यूज किया जाता है, अमार्ड सेल्फिन कैटफिश का, ठीक है। वैज्ञानिकों ने इस आक्रामक प्रजाति के
प्रसार की मैपिंग के लिए एनवायरमेंटल डीएनए अप्रोच को जो है यूज किया है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, मछली थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल रिसर्च, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के मुताबिक भारत के क्रमशः पहले और दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन से हैं। व्यापारिक भागीदार से क्या मतलब है, उनसे लेन देन बराबर, मतलब लेन देन दोनों का व्यापारिक भागीदार है। तो सबसे बड़ा अब चाइना हो गया है, उसके बाद यूएसए आ गया है। पहले यूएसए पहले नंबर पे था, चीन दूसरे नंबर पे था, बट अब चाइना पहले नंबर पे आ गया है, यूएसए दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट हाल ही में आई है तो आपको ध्यान रखना है। चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन FY24 विच ए 118.4 बिलियन डॉलर एंड यूएस सेकेंड 118.3 बिलियन डॉलर। तो इसको याद रखोगे, चाइना नंबर वन हो गया है 23-24 में 118.4 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTIRI के आंकड़ों के मुताबिक 118.3 अरब डॉलर के साथ अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, चलिए और इसके बाद कौन से हैं, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है बिलियन डॉलर के साथ, यूएई तीसरा है ना, फिर इसके बाद रशिया, सऊदी अरब और सिंगापुर आते हैं। तो भारत के तीन बड़े व्यापारिक भागीदार आपसे सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। पहला हो जाएगा चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा यूएई। ठीक है, यूएसए से ही यूएई याद रखना, ये तीन भारत के इस समय सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है भिलाई स्टील प्लांट द्वारा। ठीक है, देख लो, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ का पहला, इसलिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम भी याद रख सकते हैं क्योंकि किसी राज्य का पहला है तो वो महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये देख लो, फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होते हैं, ऐसे नदी में एकदम तैरती हुई स्थिति में होते हैं कि जल का बहाव भी सही रहता है और उसके साथ साथ और थोड़ी डिस्टेंस पे लगाते हैं ताकि जल में भी सनरेज जाती रहे, जो जल का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है वो नष्ट ना हो और सोलर लाइट भी हम प्राप्त करते रहे। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट इसको लगा रहा है अपने मरोदा वन जलाशय में, छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगा। कार्बन फुटप्रिंट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कार्बन फुटप्रिंट ये क्या होता है, मतलब एक व्यक्ति कितना कार्बन यूज कर रहा है इत्यादि इत्यादि, ये कार्बन फुटप्रिंट है ना। एक व्यक्ति, एक जो है कार्बन फुटप्रिंट, बेसिकली ऐसे मान लो कि पर कैपिटा कार्बन की मात्रा, बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ में कौन लगा रहा है, भिलाई लगा रहा है। आगे चलते हैं, अगली महत्वपूर्ण घटना, बहुत महत्वपूर्ण, पेपर में छपने योग्य सवाल आपके हो सकता है। चलिए, भारत ने चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए अफगानिस्तान के साथ 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। सबने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स का सवाल, लेकिन फैक्ट ट्विस्टिंग है, ऊपर चाबहार पोर्ट कह रहा है, नीचे अफगानिस्तान कह रहा है, जबकि चाबहार पोर्ट तो किसका है, ईरान का है। आप ये पूरी घटना देखते हुए अफगानिस्तान पर ध्यान ही नहीं दोगे, इस फैक्ट को सही कर दोगे। अफगानिस्तान की तो सीमा समुद्र से लगती ही नहीं है, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्ट गलत हो जाएगा। चाबहार पोर्ट किसका है, ये चाबहार पोर्ट आपका है ईरान का, ना कि अफगानिस्तान का। चाबहार विदेश में स्थित एकमात्र बंदरगाह है जिसका प्रबंधन भारत द्वारा किया जाएगा, यह भी बात गलत है। मैंने आपको अप्रैल महीने में पढ़ाया था, एक और बंदरगाह हमने जो है साइन किया है म्यांमार का, दैट इज सितवे बंदरगाह, मैंने आपको याद कराया था। सितवे बंदरगाह एक और है भारत के बाहर जिसको भारत संचालित कर रहा है, पहला चाबहार ही है, दूसरा सितवे है, इस तरीके से है। ये कह रहे हैं एकमात्र, दोनों गलत हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ये देख लो, ये रहा आपका चाबहार पोर्ट, ठीक है, ये रहा चाबहार पोर्ट। तो हमें क्या है कि ये हमने अभी देखा था, अदन की खाड़ी भी चर्चा में थी, क्यों, क्योंकि यहां जो है समुद्री लुटेरे जो है लूटमार मचा रहे हैं, ऊपर यमन था, नीचे ओमान और ये सब कंट्री, हमने ये भी देखी थी। ठीक है, तो ये जो चाबहार पोर्ट है बिल्कुल पाकिस्तान का ग्वादर है, ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान के ग्वादर का रिप्लेसमेंट है, और ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, है ना, इनकी डिस्टेंस 70-75 किलोमीटर है ग्वादर की और चाबहार की। तो हमने पाकिस्तान को बायकॉट करने के लिए हमने ग्वादर पोर्ट से कनेक्टिंग की है, मुंबई से
सीधे शिपमेंट ग्वादर जाती है और ग्वादर से फिर आगे मिडिल ईस्ट में चीजें चली जाती है। तो ग्वादर भारत में पहले एक एक साल का रिन्यूमेंट हो रहा था, लेकिन बड़ी उपलब्धि है कि हमने 10 साल के लिए ग्वादर कह रहा हूं जो चाबहार है उसका हमने कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है, भारत और ईरान का चाबहार बंदर का। ऐसे में जब ईरान पे दुनिया भर सैंक्शन लगाना चाह रहा है ना, खासकर अमेरिका, उस स्थिति में हम ईरान से अपने संबंध मजबूत स्थापित कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ी चीज है ना। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल दो हैं बेसिकली यहाँ, है ना। चाबहार के बारे में ये चीजें दी हैं, भारत ईरान का व्यापार बढ़ेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य बंदरगाह म्यांमार का सितवे भी है जिसको भारत मैनेज कर रहा है। ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। इसमें शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिश्ती नामक दो अलग अलग बंदरगाह शामिल हैं। तो हमने कौन सा लिया है, शाहिद बेहिश्ती लिया है। और ज्यादा टफ अगर आपको देगा तो शाहिद बेहिश्ती की जगह शाहिद कलंतरी दे देगा, ध्यान रखना, है ना। इतना टफ सवाल वैसे आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी खैर। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 ट्रैफिक द्वारा जारी की गई, नहीं ट्रैफिक क्यों जारी करेगा, ट्रैफिक क्या है बेसिकली, वाणिज्य में प्राणीगत और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। ट्रैफिक एक संधि है जो कहती है कि बेसिकली साइट्स एक संधि है ना, जो हमने शायद पिछली क्लास में कहीं देखी थी। साइट्स संधि है कंजर्वेशन फॉर एंडेंजर्ड करके जो पशु पक्षी थे उनका संरक्षण करना, और ट्रैफिक है जो उसकी देखभाल करता है कि ऐसे पशु पक्षियों और प्राणी जगत का ट्रेड ना हो जो कंजर्वेशन, जो कंजर्वेटिव है, मतलब जो संरक्षण जिनका हम कर रहे हैं उनका ट्रेड ना हो, ताकि जैव विविधता को कोई खतरा ना हो। तो ट्रैफिक ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं करेगा, ट्रैफिक तो वो है जो देखभाल करता है इन सबकी। 2015 से 2021 के दौरान अवैध व्यापार के मामलों में जानवरों या जीवों में गैंडे और पादपों में देवदार सबसे ज्यादा प्रभावित प्रजातियां थी, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है, ध्यान रखना, गैंडा और देवदार, है ना। चलिए, 2015 से 21 के दौरान अवैध व्यापार से संबंधित उत्पादों की जब्ती के मामले में सर्वाधिक संख्या प्रवालों की है। प्रवालों का खूब अवैध व्यापार किया जा रहा है, जबकि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदायक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3। और रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड अपराध, ठीक है, उस पर ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो रिपोर्ट के बारे में हमेशा ये याद रखना किसने जारी की है, सबसे ज्यादा खतरा किस पे है, गैंडा पे, पशुओं में और पक्षियों में, उस पे पेड़ों में किस पे है, वो है आपके क्या कहते हैं, देवदार पे। ये ट्रैफिक है द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, है ना। तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क मतलब जो व्यापार हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, ए स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ WWF और IUCN का एक अलायंस है ये बेसिकली ट्रैफिक जो बना हुआ है। चलिए, तो ये हो गया आपका, है ना। चलिए, ये हो गया महत्वपूर्ण सी खबर, आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को पेपर में छपने वाला सवाल, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड MOW एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, है ना, में भारत की 3 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है। निम्न में से शामिल साहित्यिक कृतियों की पहचान कीजिए कौन कौन सी हैं। तो 3 साहित्यिक कृति हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन। ये 3 कृतियां हैं जिनको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4, ये देख लो, है ना। PIB का न्यूज है क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, द रामचरित मानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोक लोकना इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। चलिए, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 20 साहित्यिक कृतियां शामिल की गई हैं, इनमें से 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को भी शामिल किया गया है। ये कौन कौन सी है, रामचरित मानस है, पंचतंत्र है, सहृदय लोक लोकन है। इन कृतियों को सूची में शामिल करना का निर्णय मंगोलिया के उलान बटोर राजधानी मंगोलिया की में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड पैसिफिक में 10वीं बैठक में किया गया। तो आपसे यह भी पूछ सकता है, घुमा के पूछ ले कि ऐसा किया गया, यह बैठक कहां आयोजित की गई थी, तो मंगोलिया के उलान बटोर में। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी तुलसीदास रच रहे हैं, पंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा, संस्कृत में लिखी गई है बेसिकली ये। सहृदय लोक लोकन क्या है, आचार्य आनंद वर्धन द्वारा संस्कृत में लिखित रचना है, सहृदय लोक लोकन, ठीक है। चलिए, तो इसके राइटर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आचार्य आनंद वर्धन। चलो,
हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य कौन बन गया है, याद रखना किसे बनाया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। IIBX क्या है ये देख लो, इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य भारतीय स्टेट बैंक को बनाया गया है क्या IIBX क्या है। 2022 में गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC गांधीनगर गुजरात में इसको स्थापित किया गया है, इंटरनेशनल इंडियन बुलियन एक्सचेंज को, ठीक है। यह एक्सचेंज IFSC प्राधिकरण की देखरेख में कार्य करता है। इसके प्रमोटर्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसे भारत के अग्रणी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। IIBX में भारत में बुलियन यानी सोना चांदी का आयात का माध्यम है, ठीक है। तो यह मतलब एक तरह से बड़ा वो है ट्रेड का, सोने चांदी के ट्रेड का सिस्टम है। तो आप ये याद रखना कि पहला जो इसका वो बन गया है, पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है IIBX का। आपसे पूछा जा सकता है सवाल, इकोनॉमिक की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, पेपर में छपने योग्य सवाल, आपको चीजें पता होनी चाहिए। हाल ही में प्रबल सोलर स्टॉर्म, जो सोलर स्टॉर्म आया पीछे देख लिया हमने पहले सवाल में, के पृथ्वी के वायुमंडल में टकराने से भारत के किस क्षेत्र में रात्रिकालीन आसमान में उत्तरी ध्रुवीय ज्योति की घटना देखी गई। यह क्या होता है, जब वो सोलर स्टॉर्म टकराता है, सौरिक तूफान पृथ्वी के वायुमंडलीय परिघटना में शामिल हो जाता है, हल्का बहुत टकराता है, तो चार्ज होने के कारण और वायुमंडल का निगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलकर लाइट्स पैदा करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं उत्तर में अगर वो दिखेगा तो उसको बोलते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति, मतलब हाई एल्टीट्यूड अक्षांशों या फिर ज्यादा हाइट वाली जगहों पर दिखता है तो उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, और दक्षिण में अगर वो दिखता है तो उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति, ठीक। चलिए तो कहां देखा गया, यह देखा गया है हानले लद्दाख में, ये देख लो इसका इमेज है। ऐसी रात में ऐसा लगता है आसमान में किसी ने जंपिंग झपाक वाला गाना चल रहा हो, डांस वांस चल रहा हो, एकदम बढ़िया, एकदम लाइटिंग वाइटिंग होती है। ये देख लो प्रबल सोलर स्टॉर्म के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के लद्दाख के हानले गांव में रात्रिकालीन आसमान में उत्तरी ध्रुव से जगमगा उठा। तो हानले लद्दाख में हमने ये देखा, ध्रुवीय ज्योति बेसिकली क्या है इसको समझ लो, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपरी वायुमंडल या आयन मंडल, भाई इसके लेयर है वायुमंडल की, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो आयन मंडल में जब ये टकराया, बहुरंगी रोशनी परिघटनाएं इसे पृथ्वी पर मध्य और उच्च अक्षांशों पर देखा जा सकता है, मतलब हाइट ज्यादा हाइट वाली जगह पर। इसका रंग नीला, लाल, पीला, हरा और नारंगी हो सकता है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव ज्योति को उत्तरी ध्रुव ज्योति या ऑरोला बोरियोलिस कहते हैं, यही नाम आपके पेपर में लिखा होगा, ऑरोला बोरियोलोसिस, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसे क्या कहते हैं, ऑरोला ऑस्ट्रियोसिस कहते हैं। याद कैसे रख लोगे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है इसलिए ऑरोला ऑस्ट्रियो कह रहे हैं, और उत्तरी गोलार्ध में ऑरोला बोरोलोसिस कह रहे हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के साथ सोलर विंड के परस्पर क्रिया के कारण होती है, चार्ज डेवलप हो जाता है जिस कारण ये लाइट निकलती है। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ, आपको याद रखना है नीदरलैंड्स के रोटरडम में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई तक कनाडा के ओटावा में आयोजित हुआ, नहीं कहां आयोजित हुआ है, नीदरलैंड के रोटरडम में, आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है ना, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की बात बहुत ज्यादा चल रही है, हाइड्रोजन एनर्जी बनाने की बात बहुत ज्यादा चल रही है, क्यों, क्योंकि ये वायुमंडलीय प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है पर्यावरण के, ठीक है। भारत ने सम्मेलन में प्रदर्शनी में अपना पहला मंडप स्थापित किया, ठीक है, भारत ने भी बताया कि हम भी हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है, यह भी फैक्ट सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, है ना, केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा वहां जो है ग्रीन वैश्विक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में ये चीजें रखी गई। ये है विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन में प्रथम भारतीय मंडप स्थापित, मतलब हमने वहां दिखाया हम भी बना रहे हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है विश्व का हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है, नीदरलैंड रोटरडम में, ठीक है। बाकी सारी घटनाएं तो कोई बात नहीं है, भारत ने पहली बार मंडप स्थापित किया, भाई ऊर्जा और नवीकरणीय मंत्रालय करेगा अगर हाइड्रोजन से रिलेटेड काम है, तो इस प्रकार ये घटना भी आपके स्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे जरूरी बात यह है
आपको करंट अफेयर्स में यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस तरीके से पूछी जाएगी, घटना परिघटना किस तरीके से पूछी जाएगी। इस बार आप चिंता मत करो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा घटना सार या घटना जो आई दृष्टि आती है बेहतरीन तरीके से उसको पढ़वाऊंगा आपको कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। पूरी रामायण नहीं याद करनी है, क्या क्या चीज याद करनी है। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेटिक इनिशिएटिव ICCI के अनुसार भारत एक पहला ऐसा देश हो सकता है जिसके सभी ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। अब आप सोचो, क्या इतनी बड़ी घटना होती कि ICCI जो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव है, अगर वो इतनी बड़ी बात बोलता कि आने वाले समय में भारत के सभी ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, हम के क्या नहीं रहे होते, के क्या नहीं रहे होते, मतलब बड़ी बड़ी न्यूज नहीं छप रही होती, आपने सुना कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं। तो मतलब कॉमन सेंस लगाओ आप। करंट अफेयर्स में फिर कह रहा हूं, कोई भी दो सोर्स करंट अफेयर्स के पेपर से पहले तीन तीन बार पढ़ लो, उसके बाद अगर आपको कोई चीज लग रही है कि नहीं है, मतलब आपने नहीं पढ़ी, मतलब करंट में चर्चा में थी ही नहीं, या ये गलत है वो फैक्ट, इस दृष्टि से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप कोई भी दो चीज, जैसे मेरा वीकली करंट अफेयर्स फॉलो कर लो, एक पेपर से पहले कोई मैगजीन फॉलो कर लेना खत्म, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो यह गलत है, भारत नहीं, वो देश कौन सा है, वेनेजुएला है, दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो यहां पड़ता है वेनेजुएला, है ना, वी शेप में ही, ठीक है। ICCI पृथ्वी के क्रायोस्फीयर हिममंडल के संरक्षण हेतु कार्य करने वाला विशेषज्ञों शोधकर्ताओं का नेटवर्क है। भाई इन्हीं का तो नेटवर्क होगा, तभी तो वो कह रहा है कि भाई सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, भाई साहब तुम्हारी बर्फ पिघल गई है, ये बता रहे हैं। तो क्या हो गया, ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है, आपसे पूछा है, सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये रहा वेनेजुएला, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI के अनुसार वेनेजुएला ऐसा पहला देश हो सकता है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएं। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार वेनेजुएला का हम्बोल्ट नामक आखिरी ग्लेशियर भी जो है, आकार में इतना छोटा हो गया कि वह ग्लेशियर की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठ रहा है। गौरतलब है कि वेनेजुएला का यह ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ये पूरी ये पड़ जाती है एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना, पूरी यहां से यहां तक ये, है ना। चलिए, ICCI पृथ्वी के क्रायोस्फीयर के संरक्षण हेतु कार्य करने वाले विशेषज्ञ शोधकर्ताओं का समूह है। हिम और स्थलीय हिमावरण, आइस कैप्स, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट, समुद्री हिमावरण वाले क्षेत्र क्रायोस्फीयर कहलाते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्रायोस्फीयर हिममंडल में किस किस को शामिल किया जाएगा, पूछ लेगा आपसे तो पता नहीं होगा, क्या क्या होगा, हिम होगा, स्थलीय हिमावरण होगा जो बर्फ से ढक जाती है, आइस कैप्स होंगे मतलब जो बड़े बड़े ग्लेशियर आइस कैप्स होते हैं, ग्लेशियर होंगे, परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, भूमि के अंदर जो बर्फ को थोड़े समय के लिए भूमिगत जो जम जाता है उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, वो भी हिममंडल में शामिल होगा, समुद्री हिमावरण वाले क्षेत्र क्रायोस्फीयर कहलाते हैं, ये सब क्रायोस्फीयर में शामिल होते हैं। अच्छा महत्वपूर्ण फैक्ट है, वेनेजुएला देख लो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, है ना, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है, इसके आसपास के भी कंट्री आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये है, ठीक है, ये वेनेजुएला है, यहां एक लेक पड़ती है, ये जो लेक है इसको बोलते हैं लेक मराकाइबो, ठीक है, मराकाइबो झील, और वेनेजुएला खनिज तेल के दफन में मतलब भंडारण इसके पास सबसे ज्यादा है, उत्पादन अभी नहीं है लेकिन भंडारण सबसे ज्यादा है। वेनेजुएला के बगल में गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना ये पड़ते हैं, इधर कोलंबिया पड़ जाएगा, इक्वाडोर पड़ जाएगा, ये बड़ी सी कंट्री ब्राजील पड़ जाएगी, तो ये सब इसके जो है आसपास के भी देश हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। इंटरनेशनल शटडाउन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। एक्सेस नाउ ये जो संस्था है ये रिलीज कर रही है डेटा। एक्सेस नाउ के अनुसार भारत लगातार छठे साल इंटरनेट बंद करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। आपने कहीं ना कहीं खबर सुनी होगी, है ना, खूब चर्चा में रहती है बात कि भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में सबसे आगे है, विशेषकर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के कारण हमारी स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। तो बिल्कुल ठीक है। एक्सेस नाउ एक गैर लाभकारी समूह है जो डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। भाई डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तभी तो इंटरनेट शटडाउन की घटनाओं को संदर्भित कर रहा है, उन पर रिपोर्ट जारी कर रहा है, दोनों फैक्ट सही हैं। सत्य कथन हमें चुनना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ये देख लो, द कंट्री शट डाउन इन द इंटरनेट फॉर मोस्ट, इंडिया ने इतने समय के लिए जो है सबसे ज्यादा मामला जो है इंडिया में है, ठीक है, उसके बाद म्यांमार है। एक्सेस नाउ के विश्लेषण द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में इंटरनेट बंद करने के 116 मामले थे।
वैश्विक स्तर पर 283 मामले टोटल हुए हैं, जिसमें से 116 भारत के हुए हैं। लगभग 40% जो इंटरनेट बंद करने वाले मामले हैं वो भारत में। एक्सिस नाउ ने 2016 के बाद से 1458 शटडाउन दर्ज किए हैं, इसमें से 773 मतलब आधे भारत में हैं, समझ लो आप, बड़ी घटना है, है ना। एक्सिस नाउ गैर लाभकारी संगठन है। एक्सिस नाउ प्राकृतिक आपदाओं के शटडाउन के लिए उभरते ट्रिगर के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए, हाल ही में खबरों में रही वैक्सीन टेक 003 निम्न किस रोग से संबंधित है। ये बेसिकली डेंगू की वैक्सीन है, इसको अप्रूवल मिला है, तो वैक्सीनेशन वाला जो कार्यक्रम है वो भी आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। टेक 003 वैक्सीन का नाम है, जिसको हाल ही में WHO का अप्रूवल मिला है। WHO ने डेंगू की नई वैक्सीन टेक 003 को प्री क्वालिफाई किया है, है ना। टेक 003 वैक्सीन जापान ने डेवलप की है, जापान की फार्मा कंपनी टेकोडा ने डेवलप किया है, इसलिए उसका नाम है टेक 003, ठीक है। यह एक प्रकार की लाइव इंट्यूबेटेड वैक्सीन है। इस वैक्सीन को डेंगू बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस की 4 सीरोटाइप के दुर्बल संस्करणों से तैयार किया गया है। सीरोटाइप वास्तव में बैक्टीरिया या वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को उनकी सतहों पर पाए जाने वाले एंटीजन या अणुओं के आधार पर समूह बांटने का एक तरीका है। यह वैक्सीन WHO के प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली डेंगू की दूसरी वैक्सीन है। पहली वैक्सीन डेंगू की कौन सी है, CYT-TDV है। WHO ने डेंगू को अधिक मामले वाले संचरण की उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों में 16 वर्ष की आयु के बालकों को यह वैक्सीन देने की सिफारिश की है। तो टेक 003 मतलब डेंगू एक बड़ी समस्या थी, उससे रिलेटेड वैक्सीन अगर कोई आई है तो वो महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, भारतीय फुटबॉलर हैं और इंपॉर्टेंट फुटबॉलर हैं। ये रहे सुनील छेत्री साहब, 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन मैच के बाद, मतलब फीफा विश्व कप में भारतीय टीम जाएगी, ये क्वालिफाई करवाने के बाद भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। एकदम सदमे शॉकिंग वाली खबर थी कि यार फीफा के लिए क्वालिफाई करवा दिया, आपको खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 2 दशक मतलब 20 साल के करियर में छेत्री फुटबॉल में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 145 मैच खेले हैं, जिनमें 94 गोल किए हैं, बड़ी बात होती है। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय टीम में सबसे अधिक कैप और सबसे अधिक कुल गोल के साथ वह सक्रिय खिलाड़ियों के बीच अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में केवल लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं गोल करने के मामले में। तो आपको यह बात ध्यान होनी चाहिए, बड़ा नाम है सुनील छेत्री का, ठीक है। इन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल उससे संन्यास ले लिया है। छेत्री का साधारण एथलेटिक उपलब्धि के लिए पद्मश्री भी मिला है, ऐसे फैक्ट आपके क्वेश्चन में खूब डाले जाते हैं। और 2011 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला, तो आपको पता होनी चाहिए कि इनको पद्मश्री भी मिल गया है और अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। 2021 में भारत का शीर्ष खेल रत्न पुरस्कार भी इनको जो है मिला है। तो कौन कौन से पुरस्कार, पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है। अर्जुन पुरस्कार भी क्रिकेटरों को दिया, खिलाड़ियों को दिया जाता है बेहतर प्रदर्शन के लिए। पद्मश्री तो किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जा सकता है, और आपका ये जो है इनको इसके सिवा खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा चीड़ की सुइयों को टिकाऊ आजीविका में बदलने वाली एक मशीन विकसित कर ली है ना। चीड़ का पेड़ जो होता है ना, उसमें जो संरचना उसकी जिस प्रवृत्ति की होती है उसको एक टिकाऊ स्वरूप धारण करवाने के लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं किया है, IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने किया है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह मशीन जंगल की आग को कम करने में भी मदद करेगी, ऐसा कुछ डेवलपमेंट उस मशीन का होगा जो जंगल की आग भी काबू पा लेगी। चीड़ की सुइयों को आमतौर पर पिरुल कहा जाता है, उत्तराखंड में जंगल की आग के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक हैं, है ना। इनकी वजह से ही जो है जंगलों में आग लगती है, और इस आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान भी उत्तराखंड ने शुरू किया है ना। 50 रुपए किलो पिरुल खरीदेगा, तो बेसिकली यही है, चीड़ की सुइयों को आमतौर पर पिरुल कहा जाता है, तो वही सब सिस्टम है इसको ही। चीड़ के पेड़ की सुई क्या होती है, ये देखो, ये देख लो, ये जो आइटम है ना, ये जो पत्तियां हैं ना चीड़ की तेरे की, ये जो ऐसी नोक वाली सिस्टम है, ये बेसिकली है, ये सूख कर जो है आग को बहुत तेजी से लपटाती हैं। तो पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान भी उत्तराखंड ने शुरू किया है, और IIT रुड़की ने इसके डेवलपमेंट के लिए भी काम किया कि इसको आसान कर दें। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने चीड़ की सुइयों को एक टिकाऊ आजीविका में बदलने वाली एक मशीन विकसित की है, ठीक है।
चलिए, यह मशीन जंगल की आग को कम करने में मदद करेगी। चीड़ की सुइयों को आमतौर पर पिरुल कहा जाता है। उत्तराखंड में जंगल की आग के प्राथमिक उत्प्रेरक हैं। 2019 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए परियोजना प्रस्तुत की थी। मशीन पाइन सुइयों को ईंटों में संपीड़ित कर देती है। मतलब सुइयों को मिला के क्या करेगी, सुई यार इसकी पत्तियां, ये सुई कह रहे हैं इनको बेसिकली, है ना, इसको क्या करेगी, इसको मिला के ईंटा बना देगी वो मशीन बेसिकली इसका। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण चैंपियन के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया है, नहीं यूएई द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएसए द्वारा नहीं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो पूरे वैश्विक स्तर पर इस समय यूएई या दुबई जो है विश्व के बेहतरीन रहने योग्य स्थानों में से एक माना जा रहा है, वहां के अवसंरचनात्मक विकास के चलते, है ना, तो यूएई ने क्या कहा है कि जो भी अर्थ चैंपियन है, पर्यावरणीय चैंपियन है, पर्यावरण के लिए विश्वभर में काम कर रहे हैं, उनके लिए यूएई 10 वर्ष का आवासीय ब्लू वीजा लॉन्च करती है। ठीक है, आवासीय ब्लू वीजा लॉन्च करती है। ब्लू रेजिडेंसी वीजा पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रयासों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करेगा, 10 साल के लिए निवास प्रदान करेगा। कथन 2 सही है, तो यूएई ने किया है ना कि यूएसए ने, ऑप्शन नंबर बी। ब्रेकिंग न्यूज, द न्यू यूएई 10-ईयर रेजिडेंसी फॉर सस्टेन इनोवेटर्स। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए यूएई ने ऐसा किया है। पर्यावरणीय अनुसंधान, सक्रियता और तकनीकी समाधानों में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है। ब्लू रेजिडेंसी वीजा पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करेगा, है ना, उनको रखेगा अपने यहां। तो ये थोड़ा सा एक क्या है, उत्प्रेरक का काम करेगा कि भाई यूएई जैसी जगह में हम आराम से सुकून से आदमी रह सकेगा। यूएई ये दिखा रहा है कि इसके द्वारा कि हम पर्यावरण के लिए कितने सजग हैं, उनके लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख सोमनाथ ने नेस्ट समूह के प्रमुख कंपनी SFO टेक्नोलॉजीज की कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया। सही बात है, NEST समूह की कार्बन कटौती पहल का लक्ष्य 2035 तक 50% की कमी और 2040 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। यह भी ठीक है, PCS की दृष्टि से यह आपके लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। एस सोमनाथ उद्घाटन कर रहे हैं एक कंपनी के, उसका तो ठीक है, ओके ओके है, ठीक है। चलिए, हाल ही में खबरों में रही कांवर झील या कांवर ताल किस राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, है ना। इन 40 सवालों में से 10 से 15 सवाल आपके ऐसे होते हैं जिनको आपको घोट के पी लेना है, परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, तो हाल ही में खबरों में रही कांवर झील या कंवर ताल किस राज्य में स्थित है, ये आपकी है बिहार में। क्यों चर्चा में रही है ये देख लो, ये है कंवर तील या कांवर लेक जो है सूख रही है बेसिकली बिहार में, और कहां है बिहार में भी, बेगूसराय में। कांवर झील या कंवर ताल सूखती जा रही है, इसे कंवर ताल आर्द्र भूमि भी कहा जा रहा है, और आर्द्र भूमि है, है ना। यह बिहार के बेगूसराय में है। कांवर झील मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। इस झील को गंडक, बाया, करेह नदियों से पानी मिलता है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, बिहार का भी पहला रामसर स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, है ना। इसे 2020 में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, तो 2020 में, और बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। पक्षियां ठहरते हैं, फिर आगे जो है प्रवास करते हैं। खतरा, जल निकासी तंत्र, जल की कमी, बांध और नहरों के निर्माण जैसे जल प्रबंधन गतिविधियों से यह सूखती जा रही है। चलिए, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024, है ना, तो ऐसे सवाल आपके पीसीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 कहां आयोजित की गई है, यह आयोजित की गई है आपकी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया स्किल्स 2024 स्किल से जीतेंगे दुनिया। 15 मई को देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा किया गया। तो आप याद रखोगे क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, इंडिया स्किल्स 2024 प्रतियोगिता है, है ना, बड़ा कार्यक्रम है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो स्थान केवल आपको दिमाग में रखना है। 4 दिन तक चलने वाले इंडिया स्किल्स में पारंपरिक शिल्प से लेकर, मतलब जो ट्रेडिशनल काम है उससे लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक 61 कौशल प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया। 47 प्रतियोगिताएं ऑन साइट आयोजित की जाएंगी, बाकी 14 अलग अलग जगह आयोजित की जाएंगी। तो आपको सिर्फ स्थान इसका याद रखना है। चलिए,
ये भी, भारत ने न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र में भाग लिया। अब देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र कहां आयोजित हुआ, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये फैक्ट महत्वपूर्ण है ना। तो ये फोरम कहां आयोजित हुआ, ये हुआ है आपके न्यूयॉर्क में, बात बिल्कुल ठीक है। इस सत्र में भारत ने वन संरक्षण और टिकाऊ वन प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला कि कैसे हम वन प्रबंधन कर रहे हैं, कैसे टिकाऊ वन प्रबंधन हो सकता है। सकारात्मक पॉइंट है वैसे भी सही होगा, पॉजिटिव पॉइंट है तो सही होगा। भारत जाके ये तो कहेगा नहीं, साहब जी ओ साहब जी हमारे वन कम हो गए साहब जी, तो बोले ऐसे नहीं चलता है, वन बढ़ाओ, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। वो अपनी सकारात्मक भूमिका को रखेगा, स्टेटमेंट सकारात्मक है, सही होगा। 2010 से 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र शुद्ध लाभ के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा, यह थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन सही है, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा कि हमने सबसे ज्यादा जो पेड़ का क्षेत्र बढ़ाया है उसमें, ठीक है। न्यूयॉर्क में आयोजित हुई है यह फैक्ट, तो पहला वाला तो याद रखोगे, ठीक है। इस सत्र में भारत ने वन संरक्षण पर प्रकाश डाला, 2010 से 20 के बीच में भारत तीसरे स्थान पर रहा वन क्षेत्र बढ़ाने में। भारत ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी साझा की, जिसे वृक्षारोपण और खराब वन भूमि की बहाली के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मतलब, अगर तुम किसी, जैसे मान लो तुम्हारी कोई कंपनी चला रहे हो, अब आप कोई कंपनी चला रहे हो, आपकी कंपनी से 10 किलो 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही, तो आप क्या करो, उसकी जगह किसी ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी हो उसको बढ़िया बनावरण करो, वहां बढ़िया बन वन करा के मैनेजमेंट करो, तो वो भी कुछ ऑक्सीजन सक करेंगे, तो मतलब आपका क्रेडिट हो जाएगा वो सक करना, है ना। आपके ऊपर अतिरिक्त कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा कि भाई इन्होंने जितनी ऑक्सीजन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी लेकिन पेड़ों द्वारा इतनी सक भी हो गई, तो ग्रीन क्रेडिट पहल हो गया, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हो गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंफोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए प्रमाणन करने वाली विश्व की पहली आईटी सेवा कंपनी बन गई है, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने यहां चीजें मैनेज करने वाली इंफोसिस ने घोषणा की है कि उसको ISO इतना प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है जो AI प्रबंधन प्रणालियों में दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो याद रखना, क्योंकि दुनिया का पहला है इसलिए चर्चा में है, इंफोसिस वो कंपनी है जिसने ये कार्यक्रम किया है, ऑप्शन नंबर सी। तो AI से रिलेटेड भी सवाल आपकी परीक्षा में खूब पूछे जा सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटना होगी। अगला महत्वपूर्ण बात, खनिज विदेश इंडिया वित्त, खनिज विदेश इंडिया है ना लिमिटेड, इसका पूरा नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, वित्त वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया में थोरियम परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगी। थोरियम का नहीं करेगी, लिथियम की जरूरत है हमें, लिथियम का ये बेसिकली कार्यक्रम देख रही है काबिल। अभी काबिल भी बताएंगे, खनिज इंडिया लिमिटेड भी बताएंगे किस कंपनियों से मिलकर बनी हुई है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इस साल ऑस्ट्रेलिया में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसका प्रॉपर एक कार्यालय खोला गया है नई दिल्ली में। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल दो। ये देखो, ये काबिल का खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, काबिल है ना, हाल ही में नई दिल्ली में, ये चर्चा का पॉइंट है, नई दिल्ली में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इसलिए चर्चा में है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया के लिथियम परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगी। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण कर सकती है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का स्वामित्व 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी नालको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी SCL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL के पास है। तीन कंपनियों के पास इसका शेयर है काबिल का, ठीक है। तो यह भी आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे विदेशों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज परिसंपत्तियों की पहचान, खोज, अधिग्रहण, विकास में महत्वपूर्ण मिशन का काम दिया गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण देखते हैं, हाल ही में चर्चित हल मेहरा द्वीप किस देश का हिस्सा है, इंडोनेशिया का हिस्सा है हल मेहरा द्वीप। ये देख लो मैप में, ये पड़ता है माउंट इबू, हल मेहरा द्वीप ये वाला है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, इंडोनेशिया में ये जो बोर्नियो पड़ता है, बोर्नियो द्वीप के बगल वाला ये वाला है ये है हल मोहरा द्वीप, ठीक है। और इस पर एक ज्वालामुखी है माउंट इबू, हाल ही में बहुत दिन बाद वो फटा है और काफी किलोमीटर ऊपर तक उसकी आग गई है, ये देख लो है ना, उसके धुआं, उसके राख,
माउंट इबू का, ये देख लो ठीक है। तो इंडोनेशिया की ज्वालामुखी विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि भूरी राख की मोटी परतें आसमान में किलोमीटर तक उड़ रही हैं, है ना, माउंट इबू। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो माउंट इबू है वो कहाँ है, ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी लगभग 5 मिनट तक फूटा जिससे आसमान में 5 किलोमीटर तक राख फैल गई ऊपर, है ना। ज्वालामुखी चेतावनी स्थित दूसरे उच्चतम स्तर पर अपरिवर्तित बनी हुई है। करिए, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण घटना परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकने योग्य सवाल, ठीक है, देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा विमान से एयर ड्रॉप के लिए दिल्ली में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया। यह दिल्ली में नहीं किया गया है, पहली बात तो आगरा में किया गया है। आगरा है क्या? हवाई जहाज से, जैसे हवाई जहाज से जो आरोग्य मैत्री क्यूब, नहीं सुना था आपने, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ये काम कर रहे हैं सारी चीजें, आरोग्य मैत्री क्यूब अस्पताल, क्यूबिक अस्पताल, कहीं भी एक दूसरे जगह ले जाओ। तो इन्होंने हवा से ही वो अस्पताल फेंक दिया, मतलब जैसे ऐसे मान लो जो वो नहीं पैरासूट नहीं खुल जाता है, ऐसे वो नीचे आके अस्पताल खुल जाएगा और उसमें पूरा सिस्टम मैनेजमेंट लायक पूरा सिस्टम है ना, उसका टाइम पीरियड भी कितने टाइम वो उसमें सब चीजें सही रहेंगी। तो पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है, पूरा उड़ान के जरिए फेंका गया था वो अस्पताल। यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। इसके लाभ क्या होंगे? ऐसे दुर्गम स्थानों पर कोई दुर्घटना इत्यादि हो जाए तो वहां भी हॉस्पिटल फैसिलिटी पहुंचाई जा सके। बहुत बढ़िया चीज है। भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। तीनों फैक्ट सही हैं, सभी सही हो जाएंगे। 25 मई का आंसर डी। ये देखो, ऐसे कुछ क्यूब हैं जिनको इस तरीके से फेंका गया और ये नीचे आके फिर खुल गए और उसको जो है पूरा मैनेजमेंट उसका हो गया। ऐसे क्यूब हैं, इनमें देखो एक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सबका सिस्टम है। भारतीय वायुसेना द्वारा विमान से एयर ड्रॉप के लिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का आगरा में परीक्षण किया गया है। तो स्थान याद रखना, यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना ने ऐसा किया है, इस परीक्षण के लिए किया गया ताकि आपात की स्थिति से निपटने के लिए पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी तैनात किया जा सके। तुम कह दो कि भैया आगे कुआं पीछे खाई है, बीच में आदमी मर रहे हैं, तो बोले पोर्टेबल अस्पताल है ना, ऊपर से फेंक देंगे, वैसे सिस्टम जाने में दिक्कत होगी। चलिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भीष्म पोर्टेबल क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है डेवलप किए गए हैं। त्वरित प्रक्रिया, व्यापक देखभाल जोड़ देने के लिए 200 हताहतों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए, तर्कस सैन्य अभ्यास पहली बार हो रहा है, महत्वपूर्ण है। तर्कस सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अमेरिका के बीच शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस चेन्नई में संपन्न हुआ। बिल्कुल ठीक है। है क्या ये बेसिकली? इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा ले जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। तो तर्कस याद रखना, उसका उद्देश्य क्या है, तर्कस बेसिकली किस लिए काम में आ रहा है? तो तर्कस काम में आ रहा है कि जो आपके सेना द्वारा, जो आतंकवादियों द्वारा रासायनिक हथियार वगैरह ले जाए जा रहे हैं उनको डिप्लॉय कर दिया जाए, उनको निष्क्रिय कर दिया जाए। ये फैक्ट भी सही है। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिक और परमाणु आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया। इसी से रिलेटेड फैक्ट है। तीनों फैक्ट सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इंडिया यूएसए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तर्कस, तो आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा, सरल सवाल क्या बनेगा, हाल ही में चर्चा में रहा तर्कस सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेना के बीच हुआ? भारत यूएसए, कहां हुआ? चेन्नई। उद्देश्य क्या है? आतंकवादियों द्वारा जो रासायनिक हथियारों की आवाजाही है उनको खत्म करना। चलिए, अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। जापानी संघ ने दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस डेवलप किया है। बिल्कुल ठीक है। यह 6G प्रोटोटाइप डिवाइस डोकोमो, एनटीटी कॉरपोरेशन, एनईसी कॉरपोरेशन और फिजुत्सु सहित अन्य कंपनियों के सहयोग से का परिणाम है। तो इसमें अन्य कंपनियां भी दे दी, मतलब एक ब्रॉडर टर्म दे दिया, तो ब्रॉडर फैक्ट जो होता है प्रायः सही होता है। आपको नहीं पता क्या क्या है ना, लेकिन इसने कह दिया तुम थे। कल रात कौन कौन था? बोले रामू था, श्यामू था, काका थे, फलाने थे, इत्यादि लोग थे। मतलब ब्रॉडर टर्म कह दिया, तो ये फैक्ट प्रायः सही होते हैं, ये सही हो जाएगा। तो दूसरा केवल एक और दो, दोनों सही हो जाएंगे। देख लो क्या है ये 6G। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है। 5G से 20 गुना तेज होगा और 100 GW प्रति सेकंड, 100 GBPS, समझ रहे हो, कि गति से डेटा संचारित करेगा। 100 GBPS बहुत होता है। यह 6G प्रोटोटाइप डिवाइस इन्होंने डेवलप किया है। यह परीक्षण 328 फीट, 100 मीटर की दूरी पर किए गए थे। कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है 6G प्रोटोटाइप हाल ही में किसने डेवलप किया है? जापान ने। अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हुआ है। कब? शायद 17 मई को होता है।
उसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में भारत में 4G का 99 कवरेज फुटप्रिंट है, मतलब 99% एरिया में 4G के नेटवर्क हैं और 6 लाख से अधिक गांव 4G से कवर किए गए हैं और लगभग 4.42 लाख गांव 5G बेस स्टेशन ट्रांसमिट हैं, है ना। मतलब लगभग 6 लाख गांव तो 4G से हैं और 4.42 लाख गांव में भी 5G भी आ रही है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई 2024 सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार विषय पर केंद्रित है, ये भी सही है ना। तो आप देख लो एक एक दिवस कवर हो जाता है यहाँ। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब था? 17 मई को था। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, है ना। चलिए, विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। यह उन संभावनाओं के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है जो इंटरनेट और अन्य सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अर्थव्यवस्थाओं को समाजों में ला सकता है। तो इस तरीके की चीजें हैं और इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब देखो ये फैक्ट ना, ये जो फैक्ट है इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो, है ना। मेंस में यूज कर सकते हो जो जहां आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात आती है ना। साथ साथ आपके प्रीलिम्स के भी किसी एग्जाम में एज ए फैक्ट दे सकता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, और ये इसका थीम दिया है। अगली घटना देखते हैं। ब्राजील 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, ठीक है। ब्राजील इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा। दोनों फैक्ट सही हैं, ऑप्शन नंबर एक और दो। घटना क्या हुई है? ब्राजील 2027 के महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, ये यहां डिक्लेरेशन हुआ है। फीफा बेसिकली है, वार्षिक फीफा कांग्रेस में ब्राजील ने 2027 के महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली जीती। ब्राजील इस टूर्नामेंट में मेजबानी करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश होगा। ब्राजील ने बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की बोली को हराया। ब्राजील ने 119 वोटों के साथ जीत हासिल की। तो ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन विशेष इसलिए हो जाता है कि दक्षिण अमेरिकी पहली ऐसा देश होगा जो इस महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। फैक्चुअल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जिनको मैं बोलता हूं ना बहुत महत्वपूर्ण, रट लिया करो उनको, ठीक है। चलो, भारतीय सेना ने 14,500 फीट, बहुत ऊंचे, बहुत हाइट हो गई 14,500 फीट की। तुम्हारे घर की हाइट कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 50 फीट, 60 फीट होगी, है ना। ये 14,500 फीट की बात कर रहे हैं। ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाओं में से एक को स्थापित किया है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई युद्ध के क्षेत्र के दौरान कोई टैंक वैंक अगर गड़बड़ हो जाएगा तो उसको मरम्मत वहीं के वहीं कर लेंगे, नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय सेना ने नियोमा में चीन सीमा के पास 2 बख्तरबंद बांध रखरखाव और मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लद्दाख में पड़ता है नियोमा, वहां चीन के पास जो है ये डेवलपमेंट किया है। एक और दो, दोनों फैक्ट सही हो जाएंगे। देख लो, ये पूरा उसका वो है। भारतीय सेना ने 14,500 की फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा, तो दुनिया का सबसे ऊंचा है इसलिए भी चर्चा का विषय है, सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाओं का जो है एक स्थापित की है। भारतीय सेना ने नियोमा में चीन सीमा के पास 2 बख्तरबंद वाहन रखरखाव और मरम्मत सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। ये सुविधाएं लड़ाकू बेड़े को उबड़ खाबड़ इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में परिचालन के लिए तैयार रखेंगी। नई सुविधाएं टैंकों और पैदल सैनिकों के लिए लड़ाई वाहनों में बेहतरता प्रदान कराएंगी। पूर्वी लद्दाख के करीब नियोमा के पास जो है इसको स्थापित किया गया है। चलिए, अगली महत्वपूर्ण घटना, मंगलुरु शहर, यहां क्या मिला है? रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया है। रॉक कट आर्किटेक्चर तो हमें अभी तक मिलता है भाई, पत्थर से बने हुए, लेकिन पत्थर का पहला रॉक आर्ट जो है पहली बार देखा गया है, ये ठीक है। इस रॉक आर्ट में मानव के पैरों के निशान हैं जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाए गए हैं, ये भी ठीक है। दोनों फैक्ट सही हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, हाल ही में एक रॉक आर्ट जिस पर 2 पैरों के निशान पाए गए हैं कहां खोजा गया है? तो मंगलुरु को आप याद रखोगे, ये है, ये देखो शायद आपको दिख रहा हो, 2 बड़े बड़े से पैर के निशान हैं, ये एक और ये दूसरा, ऐसे करके 2 निशान हैं। मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला बेलूर पोन्नो कोट्टा बब्बू स्वामी मंदिर के पास पाया गया है, है ना। मंगलुरु शहर के बेलूर पन्ने कोटोड्डा बब्बू स्वामी मंदिर के पास पुरातत्व को रॉक आर्ट की पहली साक्ष्य कला मिला है और बताया कि इस पर पैरों के निशान है, तो स्थान याद रखना। अगली महत्वपूर्ण घटना, बहुत महत्वपूर्ण, छप सकता है पेपर में।
सिक्किम परिवहन विभाग ने, आपसे पूछेगा किस राज्य के परिवहन विभाग ने, सिक्किम परिवहन विभाग द्वारा ने पूरे राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। मतलब पूरा जो क्या कहते हैं इनका मैनेजमेंट होगा यातायात प्रबंधन का, वो किससे होगा, AI बेस्ड होगा, आदमियों की जरूरत नहीं होगी। तो अच्छा, बढ़िया पहल है, अच्छा फैक्ट है। इस पर आपसे पूछ सकता है कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है, तो सिक्किम कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और विनियामक क्षमताओं में सुधार करना है। यह फैक्ट भी बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह है सिक्किम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू इंट्रोड्यूस AI ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की सबसे ऊंची सुरंग किस राज्य में है, यह भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटित की है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है सुरंग का, ये है, ठीक है, ये देख लीजिए। PM मोदी इनॉग्रेट्स सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन जो है टनल, ट्विन लेन मतलब डबल लेन टनल है, सबसे लंबी है, कितनी है, 12 किलोमीटर समथिंग है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में विकसित, भारत द्वारा विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग, तो खूब चर्चा में, आपसे पूछ लेगा हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग कहाँ है, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे लंबी जो है दुई टनल से सेला सुरंग कहाँ है, ईटानगर अरुणाचल। तो ये फैक्ट याद रखना, सुरंग का निर्माण असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम बंगाल पश्चिम कामेंग जिले को जोड़ने वाली सड़क की 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। सेला सुरंग का निर्माण नई ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग पद्धति का उपयोग करके किया गया है और इसमें उच्चतम मानकों को सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। यह एक तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगा जो भारत के रणनीतिक महत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में कुल इतने ही सवाल थे, 33 ही सवाल थे, इतनी ही महत्वपूर्ण घटनाएं इस हफ्ते की थी, है ना। अनावश्यक सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपका समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। कक्षा आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। यह क्लास कंटिन्यू रहेगी आपके प्यार और भरोसे पर, तो इसलिए अपना प्यार और भरोसा लाइक और कमेंट करके दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।